सेकंड वाले पार्ट में देखिए हमारे फोर टर्म्स है, ये पहला वाला टर्म भी हमें नहीं पता क्या है भाई, A1, ये हमारा A2 है, ये A3 है और ये हमारा A4 है, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि भाई किसी AP का अगर पहला टर्म A1 होता तो उसे हम A लिखते हैं, सेकंड टर्म होता A2 तो उसे लिखते A प्लस डी, थर्ड टर्म A3 है तो उसे लिखते A प्लस टू डी, फोर्थ टर्म को लिखते हैं ए प्लस थ्री डी। देखिए यहाँ थ्री है तो यहाँ टू आ जाएगा, यहाँ फोर है तो यहाँ थ्री आ जाएगा। इसी तरह से अगर ए टेन फाइंड करेंगे तो ए प्लस नाइन डी, इस तरह से हम टर्म्स को लिखते हैं। तो ये पहला टर्म तो हमें फाइंड करना है, ये तो हमें गिवन नहीं है, ये जो गिवन है वो है सेकेंड टर्म ए टू, वो दे रखा थर्टीन, ठीक। इस ए टू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस डी, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया ए प्लस डी इक्वल टू थर्टीन, ये मैंने इक्वेशन नंबर वन मान ली। अब मुझे ए फोर की वैल्यू दे रखी है तो मैं लिखूंगा ए फोर इक्वल टू थ्री, ए फोर की जगह मैं कितना लिख सकता हूं ए प्लस थ्री डी, तो मैंने इसकी जगह लिखा ए प्लस थ्री डी इक्वल टू हो गया हमारा थ्री, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ए और डी की वैल्यू निकल जाएगी, उससे हमारा ए वन भी फाइंड हो जाएगा ए थ्री भी फाइंड हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करते देखिए, ए प्लस डी इक्वल टू थर्टीन, ए प्लस थ्री डी इक्वल टू हमारा आ गया थ्री। इसे सॉल्व करते हैं देखिए, ए और ए इन दोनों के कोफिशिएंट एक जैसे हैं, हमने लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा है जो थर्ड चैप्टर था कि हम कैसे इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए यहां पर कोफिशिएंट ए का वन है, यहां पर भी वन है, तो मैं यहां लिखूंगा सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट जब करते हैं ना तो नीचे वाली इक्वेशन के सभी साइन बदल जाते हैं, इस तरह से कर देंगे हम। नीचे वाली इक्वेशन में माइनस माइनस का साइन लगा दिए, अब देखिए ये प्लस का ए हो गया, ये माइनस का ए हो गया, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का डी है माइनस का थ्री डी है, तो कितना बचेगा, माइनस का टू डी बचेगा भाई, एक प्लस का डी है एक माइनस का थ्री डी है, कितना बचा, माइनस का टू डी। थर्टीन प्लस का है माइनस का थ्री है, कितना बचेगा टेन, ये माइनस का जो टू है ना इधर डी के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, टू फाइव जा टेन, तो डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का फाइव, ठीक। डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी, देखिए मैं पहली वाली इक्वेशन में ना डी की जगह माइनस फाइव पुट कर रहा हूं, तो लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन वन, तो ए तो ऐसी रहा, डी की जगह मैंने माइनस का फाइव रख दिया यहां, और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा थर्टी, ये माइनस का फाइव है, राइट में जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 18, इस तरह से, ठीक। तो डी की वैल्यू मुझे पता चल गई, ए की वैल्यू पता चल गई। अब देखिए जो हमारा ए होता है ना वो तो पहला ही टर्म होता है, तो ए वन की वैल्यू जो आ जाएगी ना, जो ए वन है वो तो हमारा ए ही होता है, तो वो तो आ गया हमारा 18, इसका मतलब पहले वाले ब्लैंक में तो आ जाएगा 18, ठीक। और हमें फाइंड करना है A3, A3 को मैं लिख सकता हूं इस तरह से A प्लस टू डी, तो मैंने यहां लिखा A प्लस टू डी, A की जगह 18 आ गया, 2 हमारा ऐसे रहा, D की जगह हम कितना पुट कर देंगे माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस का 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 18 में से 10 माइनस कर देंगे तो A3 की वैल्यू आ जाएगी 8, तो यहां पे हमारा A3 जो आ जाएगा ना थर्ड टर्म वो आ जाएगा हमारा 8।